आज हम बना रहे हैं दाल मखनी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल मखनी। बहुत ही टेस्टी दाल मखनी बनकर तैयार होती है, बहुत ही कम मसालों के साथ आज हम इसे बना रहे हैं। इसके लिए हमने लिए हैं राजमा, काली उड़द साबुत वाली ली है, इनको हमने 3 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था, ये अच्छी तरह फूल चुके हैं। 1 कप काली दाल है और 1/4 कप है राजमा। इसके लिए हमने लिए हैं लहसुन की कलियाँ, तेज़पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च और रेगुलर मिर्ची भी डाली हमने थोड़ी सी इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर की प्यूरी है। 1 कुकर में हम पहले उड़द डालेंगे, राजमा डाल देंगे इसके अंदर। दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह धो कर लिया है। इसमें डालेंगे हम गर्म पानी ताकि जल्दी से उबाल आ जाए, हमें इसको 1 उबाल लगा के इसका पानी फेंक देना है। पानी का रंग थोड़ा चेंज हो चुका है, काला काला सा हो गया, इस पानी को हम निकाल देंगे और इसमें दूसरा गर्म पानी ही डालेंगे हम। पानी को हमने गर्म करके यूज़ करा है दोनों बार। इसमें डाल देंगे ये मसाले, मिर्च, लहसुन और तेज़पत्ता, नमक। इसके साथ इसको 2 सीटी लगाएंगे हम और 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पे इसको बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इस तरह सॉफ्ट होने तक हमने इसको पका लिया है, ये देखें बिल्कुल मैश हो रहा है चम्मच के साथ। इसमें हम थोड़ा उबलता हुआ पानी डालकर इसको मैश कर लेंगे और इसको रखेंगे साइड। एक कढ़ाई में हमने लिया है देसी घी, इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। अदरक लहसुन के पेस्ट को देसी घी के साथ अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। इसमें डाल देंगे टमाटर, टमाटर को हमने पीस कर लिया है, साथ ही नमक डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से पक जाए। अच्छी तरह अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है, इसमें डालेंगे हम रोस्टेड कसूरी मेथी, इसको भूनेंगे। अच्छी तरह हमारे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भुन चुका है, इसमें डालेंगे हम दाल अपनी। दाल को 10 से 15 मिनट ऐसी कड़छी से चलाते हुए ताकि जो हमारे राजमा हैं वो और भी मैश हो जाए, और थोड़ा सा हम घोटनी से भी घोट लेंगे, ज़्यादा नहीं दिखाई दे हमारे राजमा। अच्छी तरह पकाएंगे इसको 10 से 15 मिनट। इसमें डालेंगे हम वाइट मक्खन, इसके साथ हम दूध की मलाई भी फेंट कर डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे दाल के साथ अच्छी तरह से, एकदम इसके डालने से थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तैयार हो गई है हमारी दाल। अब हम इसमें लगाएंगे एक तड़का, हमने इसमें घी लिया है देसी, इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये अपनी दाल पर डाल देंगे। दाल हमारी एकदम तैयार हो चुकी है, हम इसको करेंगे डिश आउट। इसमें डालेंगे हम मक्खन, हमने अमूल मक्खन का इस्तेमाल किया है, ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे हम क्रीम। और तैयार है हमारी दाल मखनी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई करें दाल मखनी।